लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ कांग्रेस और बीजेपी की नेता जीत का दामन भरने लगा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड की सभी पांचों सीटों में 5 लाख मतों के अंतर से जीत का दावा किया है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 19 अप्रैल को देश और प्रदेश की जनता मोदी सरकार की हैट्रिक लगाने जा रही है। उत्तराखंड में अस्तित्व बचाने की लड़ाई में जुटी कांग्रेस विलुप्ति के कगार पर खड़ी है। इस बार 5 सीटों पर कांग्रेस के हाथ खाली रहेंगे, जबकि सबका साथ सबका विकास की नीति के चलते बीजेपी अब की बार 400 पार कर रही है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस स्वयं पर सोच ले कि वो किस काम की है और वो जनता उसको किसी काम का ना समझते हुए आज कांग्रेस जो है विलुप्ति के कगार पर है, अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस जो है उत्तराखंड में तो कम से कम अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएगी। यहाँ 100% 5 लाख मतों की जीत के साथ में कमल का फूल 5 लोकसभा क्षेत्र में बहुमत के साथ प्रचंडता के साथ में जीतने की ओर जा रहा है। हर कोई व्यक्ति एक औपचारिक दिन की तलाश में है कि 19 तारीख आए हम मतदान करें और प्रधानमंत्री मोदी जी को अब की बार मजबूत हैट्रिक पीरियड दें। मुझे लगता है कि उस ओर सब लोग तत्पर हैं।